नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैथ की पूरी सीरीज स्टार्ट किया हूं। तो आप लोगों को इस वीडियो में लोग वास्तविक संख्याएं का जो प्रश्नावली 1.1 है उसका दूसरा और तीसरा प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से कंसेप्ट के साथ। तो आप लोग अगर कहीं पर भी डाउट हो रहा है या डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से और कंसेप्ट के साथ। तो प्रश्न है 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। अब यहां पर समझिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या किसको बोलते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि क्या जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम 6q+1, 6q+2, 6q+3 और 6q+5 का रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आइए पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे अब हम बात करें विषम पूर्णांक संख्याएं, जैसे मान लेते हैं कि 7 है, ठीक है, 9 है, 11 है, ठीक है, 13 है, 15 है, ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं। अब अगर हम 7 में 6 का भाग दें, 7 में 6 से भाग दें तो 6 यहाँ पर बचा 1। तो हम कंसेप्ट के साथ समझेंगे तो हमें अधिक दिनों तक याद रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 को 6×1 = 1, ऐसे ही 9 में अगर भाग दें तो 6×1 = 6 कितना बचा, 3। तो कितना हो जाएगा यार, 6×1 + 3। 11 में अगर करें तो 6×1 + 5, ऐसे ही 6×2 + 1, 6×2 + 3। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक सीरीज मिल रही है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6q, अगर एक ये वाली जो है स्टेप इसको हम क्या मान लें, क्यू मान लें, तो 6q+1 हो जाएगा, यहाँ पर 6q+3 हो जाएगा, यहाँ पर 6q+5 हो जाएगा, 6q+1 हो जाएगा, 6q+3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो हम उसको 6q+1, 6q+3, 6q+5, 6q+1, 6q+3 का रूप का लिख सकते हैं। इसको अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। ये रहा कंसेप्ट। अब यहाँ पर प्रश्न को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो पहले लिखेंगे हल, ठीक है। तो लिखेंगे कि माना ए कोई पूर्णांक या धन पूर्णांक है और यहाँ पर हम b किसको मानते हैं, जो यहाँ पर संख्या दी रहेगी उसी को हम b मान लेते हैं, b = 6। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a = bq + r, और जो r की वैल्यू होगी या तो 0 होगी, 0 से बड़ा होगा लेकिन कभी भी b से अधिक नहीं होगा। तो इस संख्या, इस प्रश्न में हमने b को क्या माना हुआ है, 6 माना हुआ है, 6q + r। तो जो शेषफल होगा वह क्या होगा, या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से कभी भी अधिक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो शेषफल होगा वह 1 से 5 तक होगा। तो लिखेंगे शेषफल 0, 1, 2,
तीन चार पाँच होंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बार शेषफल शून्य लेंगे, एक लेंगे, दो लेंगे, तीन चार पाँच, ऐसे रख करके हम संख्याएं प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे जब जब शेषफल शेषफल शून्य हो, बराबर शून्य हो, तब तब क्या हो जाएगी संख्या ए बराबर, यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, अब सिक्स क्यू प्लस आर अगर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर जीरो, तो संख्या मिल गई क्या ए बराबर सिक्स क्यू, यह एक संख्या मिल गई। और दूसरा अगर हम क्या करते हैं कि जब जब शेष फल क्या हो एक हो, तब संख्या क्या मिल जाएगी ए बराबर सिक्स क्यू प्लस वन, यह संख्या मिल जाएगी। अब शेषफल जब दो रखेंगे तो इसी प्रकार से हमें रखते जाना है और संख्या मिल जाएगी। जब शेषफल दो हो तब क्या होगा ए बराबर सिक्स क्यू प्लस टू, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो संख्याएं हमें मिलती जाएंगी। इसी प्रकार से जब शेषफल शेषफल कितना हो तीन हो, तब संख्या हो जाएगी a बराबर सिक्स क्यू प्लस थ्री, यह हो जाएगा। अब जब शेषफल शेषफल कितना हो चार हो, तब संख्या क्या हो जाएगी a बराबर सिक्स क्यू प्लस फोर, यह हो जाएगा। और जब शेषफल कितना हो पाँच हो, तब संख्या क्या हो जाएगी a बराबर सिक्स क्यू प्लस फाइव। तो हमें संख्याएं क्या क्या मिल गई, एक मिल गया सिक्स क्यू, दूसरा सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस टू, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फोर, सिक्स क्यू प्लस फाइव, ये हमें संख्याएं मिल गई। तो अब देखिएगा, अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या सम है और कौन सा विषम है। अगर हम जिस संख्या में दो से भाग देंगे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो वह संख्या क्या होगी, वह सम संख्या हो जाएगी। तो अब देखिएगा यहाँ पर सिक्स क्यू है, तो अगर हम सिक्स क्यू में दो से भाग देंगे तो तीन बार में कट जाएगा, थ्री क्यू बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सम संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से सिक्स क्यू प्लस वन, तो यह दो से विभाजित नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब सिक्स क्यू प्लस टू, तो सिक्स क्यू प्लस टू है, तो अब यहाँ पर अगर हम दो से क्या कर लेंगे कॉमन लेंगे, थ्री क्यू प्लस वन बच जाएगा, दो से विभाजित करेंगे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सम हो जाएगा ये। इसी प्रकार से सिक्स क्यू प्लस थ्री, टू से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका सम हो जाएगा, ठीक है। सिक्स क्यू प्लस फोर क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, क्योंकि दो से विभाजित होगा, दो कॉमन ले लेंगे, देखिएगा कैसे सिक्स क्यू प्लस फोर है तो दो कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या थ्री क्यू प्लस टू, और ये दो से कट जाएगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। और सिक्स क्यू प्लस फाइव, टू से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये विषम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सम संख्याएँ और विषम संख्याएँ हमें मिल गई। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वह क्या सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फोर, फाइव का रूप का होता है। तो हम देख रहे हैं कि विषम संख्याएं क्या हैं, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव। तो हम लिख सकते हैं कि संख्याएं संख्याएं ठीक है कौन कौन सी, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव, दो से विभाज्य नहीं है या विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप
का होता है। तो इस प्रकार से हम अगर ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे तो हम लोग करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पर अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आपने देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त को आगे बैंड जो बजाती हुई सेना आगे बढ़ती है, उनके पीछे क्या होती है, आर्मी सेना भी लगी रहती है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि कल्पना करना है कि आगे जो है कि जो बैंड बजा रहे हैं वह सेना है और पीछे क्या है, उनके आर्मी सेना लगी हुई है। तो जो बैंड बजाने वाले सैनिक हैं वह कितने हैं, 32 हैं, और जो आर्मी वाले हैं वह कितने हैं, 616 हैं।